बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उसामा शिराजी, आयशा शिराजी, मुर्शिदा जाते खिदमत पे हाजिर है। सो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चाट मसाला और बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे। आप रेसिपी को पूरा पूरा फॉलो कीजिएगा और ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। ये रेसिपी और बहुत ही चटपट बन जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में चाट मसाले की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग घर में चाट मसाला बनाएंगे। अब आपको बाहर से चाट मसाला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में बनाएं, अपने हाथों से खुद चाट मसाला बनाएं और इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, 1.5 टेबल स्पून हम लोग लेंगे गिंगर पाउडर यानी कि अदरक पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हम लोग लेंगे सौंफ, 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काला नमक लेंगे। आप चाहें तो नमक भी ले सकते हैं जो आप नॉर्मली घर में यूज़ कर करते हैं, और 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ऑरिगैनो यानी कि अजवाइन, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे टाटरी, 15 अदद हम लोग लेंगे गोल सुर्ख मिर्चें, 1 टेबल स्पून हम लोग लेंगे आमचूर का पाउडर, और 4 टेबल स्पून हम लोग लेंगे ड्राई कोरिएंडर साबुत यानी कि साबुत सूखा धनिया। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग साबुत चीज़ों को रोस्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे हम लोग पैन में सौंफ और ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोल लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूखा धनिया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सबसे पहले रोस्ट करेंगे। तो नीचे से फ्लेम हम लोग रखेंगे मीडियम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नीचे से फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे, तो अब हम लोग इसे रोस्ट करेंगे। तो सारा जायका रोस्टिंग का होता है, तो इसलिए आप ज़रूर रोस्ट कीजिएगा। सो व्यूअर्स, ये रोस्ट हो चुकी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग इन्हें ठंडा होने देंगे, तो अब तब मिलेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। सो व्यूअर्स, डालेंगे हम लोग ग्राइंडर जार और इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हम लोगों ने स्पाइसेस रोस्ट किए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर हम लोग इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, बाहर से आप लोग अब चाट मसाला ना ले, आप घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसे ग्राइंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ग्राइंड करेंगे। सो बस डालेंगे हम लोग किसी भी साइज़ का बाउल और उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हम लोगों ने बारी बारी थोड़ा थोड़ा ग्राइंड किया और उसके अंदर थोड़ा और ऐड किया, तो इसी तरीके से हम लोगों ने सारा ग्राइंड कर लिया। तो अब हम लोग टाटरी ऐड करेंगे। तो बस टाटरी को हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया, इसे भी हम लोग ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग सारे पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे, आमचूर पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च पाउडर, गिंगर पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अजवाइन ऐड करेंगे और काला नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जितना मिक्स हो सके आप उतना मिक्स करें, ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। सो बस ये अब रेडी है चाट मसाला। तो ये मैंने जार लिया है और इसके ऊपर मैंने लिखा है चाट मसाला, चिट के ऊपर मैंने लिख लिया और इसके ऊपर टेप की मदद से लगा लिया। तो हम लोग इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ट्रांसफ़र करने के बाद मिलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप रखना चाहें आप उतना ऐड कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, मैंने तो होममेड चाट मसाला रमज़ान के लिए रेडी कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो आप लोग रमज़ान में दही भल्ले बनाते होंगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरत है, और दही पारे भी बनाते होंगे, दही बारे। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है।
तो अगर आपको ये चाट मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।